परवल होता ही है बहुत ही टेस्टी। आप जिस प्रकार से भी बनाओ, चाहे आलू परवल का कड़ी हो या प्याज डाल के परवल की सूखी सब्जी हो, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मगर जिन लोगों को परवल पसंद नहीं है तो ये आसान तरीके से बना हुआ परवल का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो नमस्ते, मैं हूं नंदना, आपका स्वागत है माई होमली लवली कुकिंग में। तो आइए देखते हैं। तो परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 600 ग्राम के करीब परवल को छिलका छुड़ा के रखे। अब मसाला को देख लेते हैं। तो मैंने लिया 1 टीस्पून राई, 2 टीस्पून के करीब सफ़ेद वाला ज्योति लेते हुए तिल, 2 टीस्पून खसखस और दही और कुछ हरी मिर्ची। अब इन सब मसालों को एक साथ पीसेंगे। तो पीसने के लिए एक मिक्सर जार में एक के बाद एक मसाला को डालते जाएंगे और लास्ट में हरी मिर्ची डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया। आप पैन में डाले सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल में ये सब्जी अच्छा लगेगा खाने में। तो सरसों का ऑयल जब गर्म हो जाए, गैस का आँच मीडियम टू हाई में रख के परवल को पहले थोड़ा सा नमक और हल्दी मैंने लगा के रखे, उसको अभी फ्राई करना है। ध्यान रखना है जब परवल फ्राई करेंगे तो दोनों तरफ बार बार पलटते जाना है, नहीं तो एक तरफ ज़्यादा लाल हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीक़ा से जैसे ही एक तरफ हो जाए तो दूसरी तरफ पलट देंगे। तो परवल नरम हो गया है, फ्राई हो गया है, तो उसको उठा के रखेंगे। उठाने के बाद वही तेल में जो मसाला पीस के रखे थे उसको डालना है। अब मसाला डालने के बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चीनी डाल के मसाले को अब अच्छे से पकाना है, जब तक मसाला से तेल ना निकलाए। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखते हुए मसाले को अच्छे से पकाना है। मसाला अच्छे से पक गया है, तेल भी निकल आया। अब 1 कप पानी मिक्सर जार में डाल के वो पानी डालें, जब तक ग्रेवी में ना उबलाए तब तक ऐसे ही चलाते जाना है। अब जो परवल फ्राई करके रखे थे उसको डालेंगे। इस टाइम कुछ देर ग्रेवी के साथ परवल को उबलना है ताकि ग्रेवी का जो स्वाद है परवल में आ जाए। तो देखिए परवल की सब्जी बन के हो गया है और ऊपर से डाले 1 टीस्पून सरसों का ऑयल और 2 हरी मिर्ची। तो बस कितना आसानी से बन के तैयार हो गया है। और ये सब्जी राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।